हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे बनाना मिल्क आइसक्रीम, वो भी बहुत ही क्रीमी। और इसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी। और इसे हम बनाना और मिल्क से बना रहे हैं तो ये बहुत ही हेल्दी है और ये देखने में एकदम क्रीमी टेक्स्चर की बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम लगती है, तो इसे आप कभी भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पके हुए 2 से 3 बनाना लिए थे जिन्हें मैंने 4-5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था, तो ये अच्छे से एकदम बढ़िया से सेट हो गए हैं। फिर इसके बाद हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर पेस्ट बना लेंगे। फ्रीजर में रखने से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पिस जाते हैं। और मैंने आधा चम्मच से बहुत ही कम इसमें चॉकलेट पाउडर ऐड कर दिया है, इससे कलर में कोई चेंज नहीं होता पर टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसके बाद 1 कप हमने मिल्क लिया है तो इसे मैंने अच्छे से बॉईल करके ठंडा कर लिया था और ये अच्छा गाढ़ा मिल्क है तो हमें इसी तरह का आइसक्रीम के लिए चाहिए है। तो इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे। इसके बाद 2 से 3 चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, तो चीनी हम अपने ज़रूरत के अनुसार इसमें ऐड करेंगे। और हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे तो मैंने चीनी यहाँ पर कम डाली है, तो 1 बाउल हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। और कंडेंस मिल्क की रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। और इसके बाद जो हमने बनाना लिए थे पीस करके तो वो हमने ऐड कर दिए हैं। इसका कलर चेंज इसलिए होगा क्योंकि मैंने इसमें आधा चम्मच चॉकलेट पाउडर ऐड कर दिया है, तो इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आधा चम्मच से हमें ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके बाद हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे 1/2 चम्मच। और इसके बाद यदि आपके पास आइसक्रीम एसेंस है तो वो भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम मिक्सर जार का लिड लगा देंगे और इसे अच्छे से 2-3 राउंड घुमा लेंगे मिक्सी में और ये अच्छे से एकदम बढ़िया क्रीमी टेक्सचर का यहाँ पर हो गया है। इसके बाद हम इसे आइसक्रीम तैयार करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसमें बबल्स आए हैं, एकदम मार्केट स्टाइल हमारी आइसक्रीम बनने वाली है। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर जार लिया है तो उसमें जो हमारा मिक्स है वो हम फिल कर देंगे और 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे जमने के लिए। इसके बाद हम इसमें ऊपर की साइड बटर पेपर लगाएंगे जिससे कि इसमें आइस क्रिस्टल ना आए और हमारी आइसक्रीम एकदम क्रीमी और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो। तो अब हम इसका भी लिड लगा देंगे और इसे फ्रीजर में रख देंगे। और जो हमारा मिक्स बच गया है तो यदि आपके पास कुल्फी मोल्ड है तो आप उसमें फिल कर दें, या फिर इस तरह की आपके पास कप है तो आप इस तरह के पेपर कप में भी इसे फिल कर सकते हैं। और यदि आपके पास कांच की गिलास है तो उसमें भी आप कुल्फी बना सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया इसमें बनती है और इस बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाती है। इसमें मैंने सिल्वर फॉइल लगा दी है इससे कि इसमें बर्फ नहीं आएगी। और इसके बाद हम इसे फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे और हम चाकू की मदद से इसमें होल करेंगे और इसके बाद जो हमने वुडन स्टिक ली थी वो लगा देंगे, तो एकदम मार्केट स्टाइल हमारी कुल्फी बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर ये भी बनके तैयार हो गई, तो इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे। और 7 से 8 घंटे हो गए हैं तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकल गई है और एकदम क्रीमी क्रीमी बहुत ही बढ़िया हमारी आइसक्रीम कुल्फी बनके तैयार हो गई है। तो हमने थोड़े से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए थे क्रश करके, तो वो इसमें इस तरह से लगा देंगे। इसके बाद ही देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, तो आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और यदि ये आसानी से इस तरह से नहीं निकलती तो आप सीजर लें और इसे कट करके निकाल सकते हैं। तो पेपर ग्लास में कुल्फी बनाने का यही फ़ायदा रहता है कि ये आसानी से निकल जाती है और बहुत ही बढ़िया बनती है और घर में ही आप इस तरह से बहुत ही बढ़िया क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम बना सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी आइसक्रीम कुल्फी की रेसिपी शेयर की है, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये भी बनके तैयार है, तो एक प्लेट पर हम रख लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितनी क्रीमी और बहुत ही बढ़िया बनी है। और इसके बाद हम जो हमने यहाँ पर एक कंटेनर जार में आइसक्रीम जमाई थी वो भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर ये भी बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया क्रीमी क्रीमी जम के तैयार हुई है। तो अब हम इसे भी एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप इसे ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर दें, या फिर यहाँ पर आप अपने पसंद के सॉसेस वगैरह, चॉकलेट सॉस वगैरह से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। जैसे भी आप सर्व करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया बनी है। अब हम इसे इस तरह से सर्व करेंगे। और ये बनाना और मिल्क से बनी है और हमने घर में बनाई है, तो बहुत ही हेल्दी है। तो इस तरह से घर में आप हेल्दी हेल्दी आइसक्रीम बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया इसका कलर आया है और बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। और यदि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।